मतलब 17 वर्ष से आप राज कर रहे हैं और अभी भी समाधान यात्रा निकाल रहे हैं कि ये जो डील करके आ रहे हैं, तेजस्वी जी को जो दिवा स्वप्न दिखाया गया कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कहा है कि नीतीश को बदल कर जाया जाए, तो उसमें आप मांझी जी का समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, नौकरी देंगे, और नियुक्ति पत्र फर्जी नियुक्ति पत्र बांटते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर जाएंगे और उसका नाम समाधान यात्रा है। नीतीश के इस यात्रा को लेकर इसलिए भी चर्चा है कि बिहार में नीतीश कुमार जब जब यात्रा पर जाते हैं तो कुछ बड़ा खेला करते हैं। एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत हुई है, तो ऐसे में प्रतिक्रिया लेंगे टीम आरसीपी की तरफ से अमित सिंह। अमित जी, नीतीश कुमार ने कई बार यात्राओं का सफलतापूर्ण बिहार में बिहार का दौरा किया, यात्राओं को संपन्न किया सफलतापूर्ण, आप लोगों का श्रेय रहा। आरसीपी सिंह उनके साथ कई बार यात्राओं में थे, एक दो यात्राओं को छोड़ दिया जाए तो क्या लगता है कि यात्रा की जो शुरुआत हुई थी, जिस हिसाब से आप लोगों ने शुरुआत की थी, इस बार उस तरह की यात्रा हो पाएगी कि नहीं? सनी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शक जितने भी हैं सबको मेरा प्रणाम और 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना बधाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी को यह यात्रा तो अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी यह यात्रा बहुत बड़ी असफल यात्रा है और असफलता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई आज ही दे देते हैं। किस बात की यात्रा करने जा रहे हैं? आप असफल यात्रा क्यों कह रहे हैं? आप तो यात्रा नहीं, नहीं, नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ किस बात की यात्रा करने जा रहे हैं। चंद दिन पहले वो समाज सुधार की बात कर रहे थे, समाज सुधार हो गया बिहार में? बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, कन्या भ्रूण हत्या, इस पे लेके रामचंद्र बाबू ने तो इस पे एक प्रकोष्ठ तक बनाया था जी, समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ था। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको हटा दिया कि आरसीपी सिंह का बनाया हुआ है। चलिए, समाज सुधार भी हो गया, अब समाधान यात्रा पे निकल रहे हैं। मतलब 17 वर्ष से आप राज कर रहे हैं और अभी भी समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। किस बात की समाधान यात्रा? बाढ़ की विभीषिका से बिहार जूझ जो रही है वो समाप्त हो गया, बिहार में बेरोजगारी समाप्त हो गई, बिहार में बाल विवाह बंद हो गया, बिहार में दहेज प्रथा बंद हो गया, बिहार में बेटियों की हत्या बंद हो गई, कानून व्यवस्था का राम राज आ गया, बिहार में खूब अच्छी सड़कें गांव-गांव तक एकदम बिछ गई है, बिहार में उद्योग धंधों का जाल लग गया। कौन से बात पे, किस बात का समाधान यात्रा वो बताएंगे ना? तो देखिए, ये कोई समाधान यात्रा नहीं है, इसको आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का मूड फ्रेश करने वाला परिभ्रमण है कि जगह 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 घूमे, लोगों से बस मिले, और मिलने कौन लोग आता है? इतना सरकारी अमला होगा, पब्लिक को मिलने नहीं देगा, 2 किलोमीटर दूर से पर्चा लिए, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। जनता दरबार 17 वर्षों से लग रहा है, क्यों लग रहा है? मतलब जो व्यक्ति लगातार 17 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री रहे और वहां भी अगर यात्रा करनी पड़े तो इससे ये समझा जाए कि जीतन राम मांझी ने जो सवाल खड़े किए हैं यात्रा को लेकर, कहा है कि नीतीश जी को वेश बदल कर जाया जाए, तो उसमें आप मांझी जी का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मांझी जी ने क्या कहा हम इसको तो नहीं सुने हैं, लेकिन जो भी कहे होंगे सही ही बात है। भाई, मुख्यमंत्री जी क्या है, सिर्फ अपना चोला बदल बदल के और नाम बदल बदल के वहां पहुंच जाते हैं, उनके अधिकारी जाते हैं, देखे ना कुछ दिन पहले गांव का बार बार बयान देते हैं और आप लोग भी उसी तरह का बयान देते हैं। आंतरिक गठबंधन तो नहीं है आप लोग? नहीं नहीं, देखिए आंतरिक गठबंधन नहीं होता है सनी, राजनीति में वैचारिक मतभेद या वैचारिक सहमति होती है, तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं ना जिसपे कुछ लोग प्रखरता से बोलते हैं, प्रखरता से अपनी बात रखते हैं, और कुछ होते हैं कि हर चीज को राजनीतिक चाशनी में लपेट कर और उसी अनुसार रखते हैं, तो हम लोगों की वो आदत नहीं है जी। बिल्कुल, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो चर्चा चल रही है कि दिल्ली में बैठक हो रही है, आपके नेताजी भी दिल्ली में मौजूद हैं, मतलब ये जो चर्चाएं हैं कि मुलाकात हो रही है, बिहार में कुछ नया खिचड़ी पकाने की तैयारी है, या ये मुलाकात सच में हो रही है या सिर्फ अफवाह है? नहीं देखिए, ऐसा है कि अभी तो हमारे नेता आदरणीय रामचंद्र बाबू बिहार में हैं, मुस्तफापुर में है, गांव में है, जी, जी। और किनसे मिलते हैं, किनसे क्या होता है नहीं होता है, तो ये हम लोगों के संज्ञान में इस तरह का कोई बात नहीं है। बात चल रही है। अब अंदर में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है तत्काल, तो वो यहाँ है तो हम ये कैसे कह सकते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो होगा जो बिहार के हित में होगा। अच्छा, सुधाकर सिंह तो आपके पक्ष से बोल रहे हैं आप, देखिए नीतीश कुमार एकदम बखिया उधर देंगे। देखिए, हम वहाँ सबसे पहले आदरणीय सुधाकर भाई साहब का इस मुद्दे पे
हम उनसे सहमति नहीं रखते हैं। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी में हजार बुराई है, बुराई है नो डाउट एज ए मुख्यमंत्री, लेकिन कुछ भी है तो वो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री किसी दल के नहीं होते हैं। जिस भाषा का वो प्रयोग किए हैं, जिस वर्ड का पर्टिकुलर, उस वर्ड का प्रयोग मैंने मुद्दा रख रहे हैं, मुद्दा बिल्कुल सही है, भाषा का वो चयन सही नहीं है। आवेश में आकर वो बोल दिए होंगे, चूंकि राजपूत का खून गर्म होता है तो थोड़ा इसलिए फाइल पटक के भाग गए। हाँ हाँ, वो तो पटक के भाग जाएंगे, वो हम लोग देखिए ये कोई मतलब नहीं बनता है, कोई सत्ता कुर्सी कोई झुका नहीं सकता है। तो जगदाऊ के बेटे है ना भाई, आप इसी देख सकते हैं ना कि जगदानंद सिंह के पुत्र है, ठीक है। तो बांस में बांसे न फूटेला, बांस में कनैल ना फूटे, लेकिन जो वह मुद्दा रख रहे हैं वो बहुत ही सही और नेक टू नेक बात, वो तो साफ कह रहे हैं कि तो धोखा दे ही रहे हैं। सनी, हम आप ही के कैमरे पे बहुत पहले कहे थे कि ये जो डील करके आ रहे हैं, तेजस्वी जी को जो दिवा स्वप्न दिखाया गया कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान और आप कल सुने होंगे सुधाकर सिंह जी पर, वो मीडिया में दिए आप, हाँ, कि तेजस्वी जी समझेंगे वो तो ठीक है। सुशील मोदी जी पर जब पूछा गया तो कहे कि अजी सुशील मोदी जी बेचारे को क्या कहते हैं, अगर आज होते तो यही हाल होता। मतलब देखिए कितनी बात कह गए कि माने सुशील मोदी जी अगर होते तो आज यही हाल होता, यानी बीजेपी को भी ये अपने पॉकेट में रख के चलाते रहते तब तक ये सही था। क्या सुशील मोदी जी को पॉकेट में समझते थे? कौन सी ऐसी कमजोरी थी जो सुशील मोदी जी ही आपका दूर किए और दूसरे लोग नहीं किए? कौन सी ऐसी बात थी बीजेपी में जो इस बार डिप्टी सीएम बने या जो लोग बने, तो कौन सी ऐसी बात थी जिससे आपको चिढ़ थी? तो सुधाकर सिंह जी का बात पूर्णतः सत्य है। बिहार में छात्रों का आंदोलन लगातार जोर पर है, आज भी छात्रों को पटना के सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बिल्कुल, देखिए यह बहुत ही दुखद है सनी। ये छात्र, एक तो आप 8 वर्ष बाद एग्जाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, आपके यहाँ जो परीक्षा होती है उसका प्रश्न पत्र पहले लीक हो जाता है, और वो छात्र अगर आशंकित होकर भी दूसरी पाली का भी आपका प्रश्न पत्र लीक हो गया था, और वो जब कह रहे हैं कि रद्द कर दीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या छात्रों का आपके यहाँ कोई प्रोविजन है क्या? जिस तरह से आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोल दिए थे कि 5,000 रुपया हर छात्रों को देंगे मेरी सरकार आएगी, तो आज तो आप ये नहीं कर रहे हैं कि जितने छात्र हैं उनको 5,000 देंगे हम, तो लगता कि भाई लाठी दे रहे हैं ना। नहीं, तीनों पाली का परीक्षा ही रद्द करेंगे तो सरकार पे आर्थिक बोझ इतनी बढ़ेगी। अगर आपकी गलती के कारण यह हुआ है तो वो भी दंड आपको सहना चाहिए था, लेकिन क्या कर रहे हैं? एक तरफ कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, नौकरी देंगे, और नियुक्ति पत्र, फर्जी नियुक्ति पत्र बांटते हैं, और दूसरे तरफ लाठी दे रहे हैं। कितनी बेरहमी से छात्रों को मारा गया है, मारा इस हिसाब से गया है, आज हम देख रहे थे उसका वीडियो फुटेज, जैसे लग रहा हो कि ये दुश्मन है। अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय तेजस्वी जी, किसका वोट मिला है वही युवा आपको मिला है। हम बार बार युवाओं को यह बात कहते हैं कि इन लोगों के चक्कर में जब तक जाति धर्म संप्रदाय में आप बटे रहेंगे, इनकी जब हित नहीं सधेगी तो आप पे लाठी क्या, जरूरत आने पे गोली चलवाने से नहीं हिचकेंगे, ये जालिया वाला बाग बनाने से भी नहीं हिचकेंगे। जी, कहीं ना कहीं बिहार में छात्रों के आंदोलन को लेकर भी हमने इनसे सवाल किया, स्पष्ट राय है कि तेजस्वी जी ने जो कहा है उसको कर दिखाएं, और बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इन्होंने सवाल खड़े किए और कहा है कि नीतीश जी की यात्रा फ्लॉप होगी, और जीतनराम जी के बयानों का समर्थन। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386